प्रस्तुत है लेखक इलाचंद्र जोशी जी की लिखी एक कहानी। इलाचंद्र जोशी जी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं और मनोवैज्ञानिक कहानियों का लेखन जैनेन्द्र कुमार जी के साथ शुरू हुआ था और ये प्रेमचंद के बाद का जो युग है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो जैनेन्द्र कुमार जी के बाद जो कोई नाम अगर हमारे सामने आता है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का तो वह है इलाचंद्र जोशी जी का। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार क्या करते हैं? वे व्यक्ति के अंतर मन की गहराई में अवस्थित अंतर्निहित वासना ग्रंथियों और जटिल सत्यों का उद्घाटन करते हैं और इसलिए मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। और ये व्यक्ति के मन की कथा ना कहकर, व्यक्ति को ना पहचान कर उसकी ग्रंथियों और कुंठाओं का सहारा लेते हैं और मनोविज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। तो इनके कई उपन्यास हैं, जैसे कि जो बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, जहाज का पंछी, और इसके अतिरिक्त सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया आदि। तो उसमें आप मनोवैज्ञानिक विचारधारा को देख सकते हैं। और इलाचंद्र जोशी जी फ्राइड और एडलर से बहुत प्रभावित रहे हैं। इलाचंद्र जोशी जी की लिखी कहानी डायरी के नीरस पृष्ठ का वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर इसे देख सुन रहे हैं। बाजार में टीन की ढलवा छतों से आए हुए सब मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। जिस भाड़े के मकान की दूसरी मंजिल में मैं रहता हूँ, उसका बाहर का कमरा केवल 5 फुट चौड़ा है। उसके बाद सीधे आगे की ओर बढ़ने पर जो कमरा मिलता है वह प्रायः 8 फुट चौड़ा और उतना ही लंबा है, पर बिल्कुल अंधकारमय। इसी गुप्त अंधेरे कमरे में एक कोने में मेरी चारपाई लगी है। इसके आगे 2 कमरे और हैं, एक में काट कबाड़ पड़ा हुआ है और दूसरे में रसोई होती है। इसके बाद एक छोटा सा बरामदा है, अगल बगल में कोई कमरा नहीं है। एक सरल रेखा में ये 4 कमरे जुड़कर एक निवास गृह के रूप में स्थित है। श्रावण का महीना है, बहुत दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। निर्मल आकाश के दिन भी कभी कभी मेरे चिर अंधकारमय कमरे में प्रकाश नहीं होता। इस पर यह बदली और उस पर भी नैनीताल का कोहरा, पहाड़ी क्षेत्र का यह पूरा वर्णन है। यह मौसम मेरी मानसिक परिस्थिति के अनुकूल है। विकल मोह आच्छन्न होकर घोर तामसिक छाया के आश्रम में दिन और रात अपनी चारपाई पर पड़ा पड़ा मैं किन भ्रामक स्वप्नों में निमग्न रहता हूँ। दिन में मकान के सब बाबू लोग अपने अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। शून्य गृह से चारपाई में पड़ा पड़ा जब उठा जाता हूँ तो कमरे के बाहर में एक कुर्सी पर खिड़की के पास बैठकर बाजार में लोगों का आना जाना देखता रहता हूँ। हमारे मकान के ठीक नीचे एक अफीम और चरस की दुकान है। कांग्रेस की तरफ से पिकेटिंग के लिए वहां 12-13 वर्ष के 2 लड़के खड़े हैं। दोनों बड़े चुस्त चालाक हैं। जो ग्राहक आता है उसे हाथ जोड़कर देश की दुर्दशा की दुहाई देकर, नशे की अपकारिता पर लेक्चर बघार कर रोक रहे हैं। ग्राहकों में से अधिकांश चमार, धोबी तथा अन्य अन्य तथा कथित निम्न श्रेणी के ही आदमी हैं। लड़कों की कातर प्रार्थना से वे व्याकुल हैं, तथापि नशे की उत्कट लालसा से विताड़ित हैं। स्वराज्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी इस दुर्दांत नशे को छोड़ना वे नहीं चाहते। उनके चेहरों के शुद्धार्थ पिपासित भावों से अनुमान करता हूँ कि अपने निर्जीव, समाज दलित, संसार चक्र निपीड़ित जीवन में केवल नशे के समय ही वे वास्तविक जीवन का कुछ कृत्रिम आभास पाते हैं। यह प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क में आघात करता है कि उनका नशा छुड़ाने से क्या वास्तव में उनका हित होगा, अथवा उनमें जीवन की जो कुछ भी चिंगारी अवशेष है वह भी बुझकर एकदम वे कोयले और राख की तरह जड़ बन जाएंगे। उनके प्रति सहानुभूति का एक और कारण भी है। अब मैं भी नशा करने लगा हूँ। 26-27 साल तक एकदम सात्विक जीवन बिताकर अब तंबाकू पीने लगा हूँ, चाय के गुलाबी नशे में रंगने लगा हूँ। इन 2 चीजों के बिना मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। मेरे एकाकी निसंग तामसिक जीवन में केवल यही 2 सहृदय साथी मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं। बहुत संभव है अपने आप को ठगता हूँ, पर इस आत्मवंचना की भी इस समय मुझे परम आवश्यकता है।
रसोई से रसोई के कमरे से लगा हुआ जो बरामदा है उस पर खड़े होकर कभी कभी जब बाहर को नजर दौड़ाता हूँ तो सामने हरियाली से ढके हुए पहाड़ पर एक विचित्र चित्रमय जगत मेरे सामने आंखों के सामने से गुजरता है। स्थान स्थान पर छोटे बड़े स्वच्छ सुंदर बंगले ऊपर नीचे स्थित हैं। अपने बाजार वाले मकान के खटमलों को याद करके उन्हें देखकर जी ललचाता है। सामने सड़क के चौरस्ते पर लेक ब्रिज के नीचे से होकर झील का प्रवाह अतिवृष्टि के कारण मुक्त कर दिया गया है। उस जलराशि का प्रवेश कठिन शिलाओं से टकराता हुआ दुग्ध फेन से भी शुभ्र धवल रूप धारण करके गर्जन करता हुआ उद्दाम वेग से नीचे को बहा चला जाता है। उसके जल शिखर उछल उछल कर पथिकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। नीचे मकानों की जो कतार लगी हुई है उसकी ढलवा छतों में भी टीन की चादरें बिछी हैं। प्रातः काल के गृह कार्य से निर्मुक्त स्त्रियां वृष्टिहीन दिनों में दिन के समय उन पर बैठती हैं और परस्पर दुख सुख की बातें करके अपना भार ग्रस्त हृदय कुछ हल्का कर लेती हैं। मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनमें बड़ी दिलचस्पी लेता हूँ। मैं गृहस्थ जीवन से सदा वंचित हूँ। सोचता हूँ कि यदि इन स्त्रियों का गृहस्थ चक्र के सुख दुख से किसी रूप में मैं भी संबद्ध हो जाता तो एक अनुभूत नए जीवन का स्वाद लेता, पर यह मैं जानता हूं कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। एक प्रायः 18 साल की मदमता नव युवती अपने उच्छल यौवन से तरंगित हुए शरीर के अंग अंग के गति मुझे विशेष रूप से दिखलाने के लिए प्रतिक्षण व्यस्त रहती है। कभी वह अपने निर्मुक्त केशों की बहार दिखलाकर मंद मंद मुस्कुराकर मेरी और कुटिल दृष्टि से घूरती हुई ढलवा छत की रपटन में ऊपर से नीचे को लुढ़कती है, और कभी किसी ज्येष्ठा युवती के सुंदर बच्चे को बड़े प्यार से गोद में बिठाकर बार बार उत्कट दुलार से उसका मुंह चूमती है और बार बार मेरी ओर ताकती है। क्यों क्यों मुझे वह इस तरह विकल करती है? अनोखी उद्भट चिंताओं से ग्रस्त मेरी रूपहीन क्षीण धोए कपड़े की तरह निस्सत मुख में पारलौकिक स्वप्नों से उद्दीप्त मेरी ऐनक से ढकी हुई आंखों में वह किस मोह का आकर्षण पाती है। हे मुग्ध पतंग, तुम्हारी इस पक्षताड़न लीला वृथा है। तुम्हारी यह पक्षताड़न लीला वृथा है। मेरे हृदय में अब वह आँच नहीं है कि तुम्हें जला सकूं। अन्य अन्य युवतियां भी जानती हैं कि मैं बरामदे में खड़ा हूं, इसलिए अनजान से बनने पर भी वे बीच बीच में साहसिक सस्नेह दृष्टि से मुझे घूर लिया करती हैं। सरस दृष्टि से मेरे हृदय में शारीरिक स्पर्श के से सुख का अनुभव होता है। इन अपरिचित स्त्रियों की इस अज्ञात स्नेह को लेकर मैं भीतर जाकर कल्याण सिंह से एक चिलम तंबाकू भरवाकर पीता हूँ और फिर बाबू लोगों के दफ्तर से आने तक अंधेरे कमरे के अलौकिक भौतिक स्वप्न जगत में निमग्न हो जाता हूँ। टीन की छतों के ऊपर दिन रात निरंतर झमाझम बरसता हुआ पानी एक तारा के स्वर में न मालूम किस लोरी का स्नेह करुण संगीत सुनाया करता है। उसके एक ताल की थपकियों से मेरा चिर दुर्दांत हृदय आजकल आश्चर्यमय इंद्रजाल के जादू से कैसा शांत सोया है। हे मेरे विस्फूर्जित झटिका में झटिका से उद्वेलित तरंगमय सागर हे मेरे विस्फूर्जित झटिका से उद्वेलित तरंगमय सागर अब चिर शून्यमय शयन में सदा के लिए निश्चिंत होकर सो। पर रात को खटमल सोने नहीं देते। बहुत देर तक करवटे बदलते बदलते सिर के बालों को विकट नार किया यंत्रणा के कारण नोचते नोचते अब 4 बजे करीब आंखें झपकने लगती हैं। तब कुछ ही देर में प्रभात फेरी के लिए अन्य अन्य स्वयं सेविकाओं को जगाने वाली महिलाओं के हल्ले से नींद उजड़ जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि इन उत्साहशील देश प्रेमिकाओं के रक्त के प्रति खटमल महोदयगण इतने विरक्त क्यों हैं जो उन्हें रात भर अच्छी तरह सोने देते हैं। मेरा ही रक्त क्या इन कद्रदानों को विशेष प्रिय मालूम हुआ है। अब जब सब महिलाएं एक चित्त होकर देश संगीत गाने लगते हैं तब हृदय में एक प्रकार की उत्सुकता पैदा होती है कि एक बार खिड़की से बाहर झांक कर उनके दर्शन करूं। पर निद्रालस शरीर में गर्म कंबल को छोड़कर उठने की शक्ति नहीं होती। रोज उठने का इरादा करता हूं लेकिन रोज उन देवियों के दर्शन से वंचित रहता हूं। पर
नित्य के अभ्यास के कारण विशेष विशेष स्त्रियों के विशेष विशेष कंठ स्वर से मेरे कान परिचित हो गए हैं। कुछ युवतियों का निद्रा जड़ित स्वर वैसा ही सुनाई देता है, किसी का स्वर सूक्ष्म और ललित है, किसी पुरातन महिला का नवीन संगीत प्रेम जंतु विशेष के स्वर में विकट रूप से प्रकट होता है। इन स्पष्टतया भिन्न भिन्न स्वरों को सुनकर मैं उन भिन्न भिन्न महिलाओं की आकृतियों की कल्पना भी बिना देखे ही मन ही मन कर लिया करता हूँ। उनके स्वर से उनकी आकृतियों की कल्पना कर लेते हैं। कल्याण सिंह, कल्याण सिंह, ए कल्याण सिंह। पर कल्याण सिंह मजे में खुर्राटे भर रहा है। चार पांच बार जोर से पुकार, गला फाड़ कर उसे जगाता हूँ। वह चिल्लाकर आधी आधी नींद में अर्ध निद्रा अवस्था में कहता है, कौन है? अबे उठता नहीं, दिन चढ़ाया है। चारपाई पर पड़े पड़े तंबाकू की चाट मुझे सता रही है, इसलिए गुस्से को रोक नहीं पाता हूँ। हल्ला सुनकर सुबह की मीठी नींद में विघ्न होते देखकर कोई एक बाबू उचक कर बोल उठते हैं, सुबह सुबह क्या गुल मचाया है, जरा सोने भी नहीं दोगे? रात भर खटमलों की वजह से आंख नहीं लगी, जरा आंख झपकने लगी तो कांग्रेस की बेहया छोकरियों ने आफत मचाई। अब इन हजरत ने सारा मकान सर पर उठा लिया है। बापू की रुद्रवाणी सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आती है। कल्याण सिंह को यदि इस समय ना जगाया जाए तो बाबू के 9:30 बजे उठने पर खाना तैयार ना होने से हेड क्लर्क साहब की धमकी का ख्याल करके जोश में आकर इस निर्दोष छोकरे पर दुलत्तियों की जो बौछारें की जाएंगी, मैं उसकी अच्छी तरह कल्पना कर रहा हूँ। अंगड़ाइयां लेता हुआ कल्याण सिंह उठता है, पर उठते ही उसके सारे शरीर में फुर्ती आ जाती है और यह 13 बरस का लड़का दो बड़ी बड़ी बाल्टियों को हाथों में लेकर बाहर पानी भरने जाता है और हम्मा हम्मा की आवाज करता हुआ काठ के विकट जीने के ऊपर कठिनाई से चढ़कर भीतर आता है। इसके बाद मिनटों में वह आग जलाकर हुक्का तैयार कर देता है और सेकंडों में तंबाकू भरकर लाता है। हुक्का हाथ में लेते ही मेरे उल्लास का ठिकाना नहीं रहता और मैं तब त्रिभुवन में अपने को सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक सुखी पुरुष समझता हूँ। बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ाने लगता हूँ। मेरी सारी दिनचर्या इस तरह है। एक, प्रातःकाल नींद उचटने पर कल्याण सिंह को जगाना। दूसरा, बिस्तरे पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ाना। तीसरा, चाय। चौथा, फिर हुक्का। पांचवा, अखबार बिस्तर पर ही। छठा, इसके बाद चारपाई की माया त्याग कर स्नान आदि क्रिया समापन। सातवां, प्रातः भोजन। आठवां, तंबाकू। नौवां, 1 घंटे तक अफीम की दुकान में पिकेटिंग देखना। दसवां, चारपाई की शरण। ग्यारहवां, रसोई की ओर जो बरामदा है उस पर से नीचे छतों पर बैठी हुई स्त्रियों का अवकाश में जीवन निरीक्षण। 12वां, तंबाकू। 13वां, फिर 4-5 बजे शाम तक चारपाई। 14वां, चाय। 15वां, तंबाकू। 16वां, बाबू लोगों के क्लब में ताश। 17वां, लौटकर भोजन। 18वां, तंबाकू। 19वां, बाबू लोगों के साथ गपशप। 20वां, शयन। 21, खटमल स्पर्श सुख का अनुभव। तो यह पूरी दिनचर्या है। नित्य नित्य यही क्रिया चक्र पुनः पुनः परिवर्तित होता रहता है। 2-3 महीनों में उसमें बिल्कुल भी बदलाव मैंने किसी दिन नहीं देखा। क्या इसी प्रकार का महत्व जीवन बिताने के लिए मैं संसार में आया हूँ? शाम को जब क्लब में ताश खेलने जाता हूँ तब उस स्वच्छंद जीवन का तामसिक आनंद सारे हृदय में लहराने लगता है। जिस मकान में यह ब्रिज क्लब संस्थापित हुआ है उसकी छत बार वनिताओं के मकान की छत से बिल्कुल मिली हुई है। प्रतिदिन कोई ना कोई बार युवती किसी न किसी मेंबर के साथ अवश्य ही वहां पहुंच जाती है। खादी की फूलदार साड़ी से सुशोभित किसी किसी अलबेली वीरांगना का मोहक रूप कभी कभी हृदय में एक स्निग्ध मधुर वेदना जागृत कर देता है। विलासपति ललना को अपनी बगल में बिठाकर जब कोई युवक मेरा पार्टनर बनकर ताश खेलता है और ताश के ऑक्शन की बोली बोलने में अपनी सखी की राय लेता है, तब मैं अत्यंत उत्सुकता पूर्वक उस
विश्व जन की प्रिया की ओर ताकता रह जाता हूँ। इतनी निकट होने पर भी वह मुझसे इतनी दूर है और मैं उससे इतना अपरिचित हूँ, पर अन्य अन्य मेंबरों के हृदय से वह कितनी परिचित है। अपने परिचित सखाओं के साथ वह मधुर हास्य से बात करती है, पर मेरी और अपनी दो प्यारी प्यारी विस्मय भरी आंखों से ताकती है। शायद वह मेरे अंतस्थल में डुबकियां लगाने की बहुत चेष्टा करती है, किंतु कहीं था ना पाकर फिर उसी दृष्टि लौट आती है। टू हार्ट्स थ्री क्लब्स टू नो ट्रम्प्स, इस तरह ताबड़तोड़ बोलियां बोली जा रही हैं और खेल जमने लगता है। गेम पर गेम, रबर पर रबर समाप्त होते जाते हैं और जुए के इस चित्ताकर्षक खेल में तल्लीन होने के कारण हम लोग उस ललित ललना को और दीन दुनिया को भी भूल जाते हैं। अंत को प्रत्येक व्यक्ति की हार जीत औसतन 5-6 रुपए की ही होती है। कभी कभी हम चोरी छुपे विशुद्ध जुए के खेल में मस्त हो जाते हैं। अपनी जमा को खतरे में डालकर दूसरे की जमा के घात में रहने में कैसा अपूर्व आनंद मिलता है। संत लोगों को इस आनंद का रस कैसे समझाया जाए। मैं जानता हूं कि दुनिया मेरे पतन पर हंसती है और अत्यंत घृणा से मेरी ओर से मुंह फिरा रही है, पर भाग्य ने तो मुझे जन्म का जुआरी बना रखा है। प्रकृति की गांठ से जिस अव्यक्त आनंद को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन दांव में रखा था, उसके कारण आज सब खोए बैठा हूं। मुझ पक्कड़ को अब लोकलाज से क्या मतलब, पर संसार मुझसे चाहता क्या है। बूंद बूंद करके उसने मेरा खून चूस रखा है, तिल तिल करके मेरा सम्मान और गौरव विनष्ट कर दिया है उसने। उसे चाहा है कि मैं अपने गर्वोन्नत मस्तक को झुकाकर मिट्टी में मिलाऊं। अब जब मैं उसी के साथ एक समतल में चलने लगा हूं, तो उसे क्या अधिकार है कि वह मुझे अपने से नीचा समझे और घृणा की दृष्टि से देखे। असल बात तो यह है कि अब मैंने अपनी इच्छा शक्ति बिल्कुल दबा दी है। जिस बहाव में जाता हूं उसी में बह जाता हूं। किसी बात के प्रति मेरे हृदय में घृणा नहीं है और किसी विशेष विषय विषय की उसमें चाह नहीं है। निर्द्वंद उल्लासमय संसार चक्र की चिंता से रहित जो कोई भी जीवन जहां कहीं भी मुझे मिलता है उसी को अपनाता हूं। तुम क्या अफीमची या गंजेड़िया हो? आओ आओ भाई आओ, तुमसे मेरी पूरी सहानुभूति है। तुम क्या जुआरी हो? संसार की चिंता भूलकर इस खतरनाक मैदान में प्रज्वर आवेग से निर्द्वंद आग कूदे हो? आओ आओ, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। तुम क्या वेश्या सकते हो? लालसामय रूप की लास्य चिंताग्नि में मुक्त पतंग की तरह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए लालायित हुए हो? आओ आओ मेरे प्यारे भाई, अपने साथ मुझे भी उस विकराल ज्वाला के ताप का अनुभव कराओ। तुम क्या मद्यपायी हो? संसार के कठिन बंधन से तंग आकर स्वच्छंद जीवन के लिए मतवाले हो उठे हो और निश्चिंत होकर मृत्यु के अंधकूप की ओर लुढ़कते चले जाते हो। हे प्रिय सखा, मुझे भी अपने साथ ढकेल ले चलो। अभ्यासवश नित्य अखबार पढ़ता हूँ। मालूम होता है कि मेरी केंद्र परिधि की चारों ओर दुनिया बेहतर व्यस्त हो उठी है, पर क्यों, किस लिए, किस महाशून्य की ओर वह दौड़ी दौड़ी चली जा रही है, इस बात का ठीक अंदाजा लगाना मेरे लिए कठिन है। सारी दुनिया को घोर कर्मों में निरत देख रहा हूँ। ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे अर्धरात्रि में कोई विकट अर्थहीन स्वप्न देखता हूँ। पानी पानी पानी, 3 दिन से लगातार पानी बरस रहा है। आज 1.5-2 घंटे के लिए कुछ शांति हुई थी, अब प्रतीक्षण धारापात आरंभ हो गया है। कल्याण सिंह, जरा बाहर की खिड़की बंद कर दे, भीतर पानी आ रहा है। आटा गूंदना छोड़कर गीले हाथों से कल्याण सिंह आता है और दरवाजा बंद कर देता है। एक चिलम तंबाकू भर जाना, यह आदेश देकर मैं अपने अंधकारमय कमरे में जाकर निखिल विश्व से अलग इस निराले कोने में चारपाई पर परम आराम से लेट जाता हूँ। सारा कमरा धुएं से भर गया है। एक सरल रेखा में एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर आगे बढ़ने के सिवाय इस अभागे धुएं के लिए और कोई मार्ग भी तो नहीं है। बाबूलों के दफ्तर से आने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कल्याण सिंह जलपान तैयार करने में लगा है। ऊपर मकान वाले की स्त्री और लड़कियों के पैरों से धमाधम आवाज हो रही है और टीन की छतों पर झमाझम पानी बरस रहा है। मैं एक मोहाच्छन्न शांत सुखालस का अनुभव कर रहा हूँ। काठ की दीवार के परे जो बाबू रहते हैं, वहां से स्पष्ट शब्द सुनाई देता है। कल्याण सिंह चिलम में जलती हुई आग पर हाथ रखकर उसे निर्विकार
भाव से भूखता हुआ आता है। इस अंधेरे कमरे में आग के प्रकाश से उसका गोरा मुख तमतमाया हुआ दिखता है। मैं उठ बैठता हूँ और अत्यंत धैर्य पूर्वक धुआं उगलता हुआ उसका रसवादन करता हूँ। थोड़ी देर में एक रकाबी पर गरम गरम आलू दम रखकर वह मेरे पास लाता है। पशुतुल्य आनंद से मैं आंखें मूंदकर परम तृप्ति से उन्हें खाने लगता हूँ। फिर एक कप चाय पीकर पुनः धूम्र सेवा करता हूँ और अपने को रॉकफेलर या हेनरी फोर्ड से कई गुना अधिक धन्य समझता हूँ। पशु जीवन की जिस सरल अलस शांति का अनुभव इस समय मैं कर रहा हूँ, उसका अनुभव क्या उक्त घोर कर्मजर पीताड़ित अनंत धन लालसा मत सेठों को कभी स्वप्न में भी हो सकता है? असल बात यह है कि वे एक चरम सीमा पर पहुंचे हैं और मैं दूसरे चरम सिरे पर। हम दोनों की आत्माएं रोगग्रस्त हैं। वे अपनी जर्जरित आत्मा के ज्वर की तीव्र वेदना को तीक्ष्णता से अनुभव कर रहे हैं और मैं मीठे पर घातक ज्वर के गुलाबी नशे से मधुर मोह की निद्रा की क्रोड़ में झूम रहा हूँ। वे सन्निपात ग्रस्त हैं और मैं क्षयरोग से विकल हूँ। पर यह क्या अलौकिक तान में यह बांसुरी कहाँ बजती है? अलौकिक तान में यह बांसुरी कहाँ बजती है? किस पहाड़ के ऊपर से होकर किसी कैसी उन्माद ग्रस्त अलौकिक स्वर लहरी मेरे कानों में आकर झंकृत होती है? क्यों क्यों मेरे स्तब्ध हृदय की सुप्त चेतना अकस्मात दिल मिलाने लगी है? अपरिचित पथिक सुख की नींद में सोए हुए मेरे उन्मत्त यौवन को तथा प्रवेगमय जीवन नवीन जीवन की भावनाओं को मत जगाओ। मेरे मानस के हंस को कमल दल की पंकिलता पंकिलता में मेरे मानस के हंस को कमल दल की पंकिलता में ही विचरने दो। सुदूर हिमालय कि उन्मुक्तता की ओर इसे आकर्षित मत करो। बांसुरी की उज्जवलता मीठी वेदना उल्कापात की तरह मेरे अंधकारमय हृदय में क्षणिक उल्लास संचरित करती हुई शून्य में विलीन हो गई। क्षण भर के लिए पूर्व परिचित विस्तृत स्वर्ग के चैतन्य का अनुभव करके मैं फिर अपने वर्तमान नरक के पंक में पंक अर्थात कीचड़ वर्तमान नरक के पंक में निपतित होकर दुर्गंध में सड़ रहा हूं। बाबू लोग आए और सैर करने चले गए। आस्ताश के अड्डे में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं होती। चारपाई पर लेटा लेटा नाना उद्भ्रांत अर्थहीन स्वप्नों का जाल बुन रहा हूँ। वर्षा शायद बंद हो गई है। टीन की छतों पर पानी बरसने का शब्द सुनाई नहीं देता। बाहर संध्या का अंधकार घनीभूत होने लगा है ऐसा जान पड़ता है। झिंगुरों की झनकार एक स्वर में लोरी गाकर इस शांत अंधकार निवास गृह को मधु मूर्छा से मग्न कर रही है। भीतर शायद कल्याण सिंह भी नहीं है। वह संभवतः बाजार में कुछ सामान खरीदने गया है। विवल मोह से स्तब्ध अपने कमरे में मैं संसार के लोगों द्वारा निर्वासित और भाग्य चक्र द्वारा विताड़ित जीव विकल अकेला पड़ा हूं। कौन मेरे लिए रोएगा? छम छम छमा छम पिछवाड़े के रास्ते से कोई स्त्री काठ के जीने से होकर ऊपर चढ़ रही होगी। पांव के बिछुओं का वह मंद मंद मधुर स्वर रसोई के बरामदे में आ पहुंचता है। मकान मालिक के यहाँ के कोई स्त्री ऊपर को जाती होगी। पर बहुत देर तक इस प्राय अंधकार समय के संध्या के समय एक अस्पष्ट छाया बरामदे से भीतर पड़ी हुई दिखाई देती है। मुझे उत्सुकता होती है पर उठ नहीं सकता। कल्याण सिंह बाजार से आता है। अरे जरा देखना तो भाई बाहर कौन खड़ा है? वीणा के निनाद से भी एक मधुर स्त्री कंठ कल्याण सिंह को संबोधित करता है। कल्याण सिंह उत्तर देता है, हाँ भीतर ही है, चारपाई पर लेटे हैं। छम 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 यह क्या, भीतर कौन आता है? इस स्त्री विहीन निवास गृह में इस संध्या के समय वह कौन अपरिचित स्त्री मेरी फिराक में चली आ रही है? मेरे आश्चर्य कोतूहल और आशंका की सीमा ना रहती। अपने बाएं हाथ को तकिए पर अड़ाकर लेटे लेटे उस पर अपना बायां गाल स्थापित करके सचेत हो जाता हूँ। भैया लेटे हो क्या? तबीयत क्या कुछ खराब है? यह परिचित कंठ स्वर किसका है? मैं व्यस्त होकर उठ बैठता हूँ। अंधेरे में चेहरा ठीक पहचाना नहीं जाता। क्या कहूँ कहाँ बैठाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। कल्याण सिंह लालटेन जलाकर जरा जल्दी ले आओ। माफ करना मैंने पहचाना नहीं, बैठ जाओ रोशनी आती है। वह फर्श पर कालीन के ऊपर बैठ जाती है। कल्याण सिंह बत्ती जलाकर लाता है। चौंककर देखता हूँ कि मेरे प्रथम जीवन से प्रतिपल की संगनी मोहनी दुबक्कर बैठी है। उसका विवाह होने पर सिर्फ एक बार उसे देखा था,
उसके बाद आज बहुत वर्षों में अचानक अंधेरे कमरे में इस वर्षा संध्या के समय वह दिखाई दी। कब, कहाँ, किस जन्म में, ठीक किस अवसर पर किससे भेंट होगी, अदृश्य भाग निर्दिष्ट, इस रहस्य की बात कोई नहीं कह सकता। उसके मुख के गठन में, आंखों के भाव व्यंजन में अनेक परिवर्तन हो गए हैं, पर उसके अंतस्थल की एक सूक्ष्म विशेषता अब भी वैसी ही अभिव्यक्त हो रही है जैसी किशोरावस्था में थी। मोहनी, तुम यहाँ कैसे, आज कैसे यहाँ आ पड़ी हो, मेरा पता तुम्हें कैसे लगा? आकस्मिक, अप्रत्याशित आनंद से उत्तेजित होकर तीन प्रश्न मैंने साथ ही किए। अपने उल्लास को बहुत दबाने की चेष्टा की, पर पूर्ण सफल नहीं हुआ। वह बोली, मैं तो आज 7 साल से यही हूँ। नीचे जो बाबू रहते हैं उनके यहाँ आया जाया करती हूँ। उनकी स्त्री से पता चला कि तुम 1 महीने से नैनीताल आए हो। उन्हीं से मालूम हुआ कि तुम यहाँ रहते हो। अल्मोड़े में सब कुशल तो है भैया, तुम्हारी तबीयत क्या खराब है? वह अत्यंत गंभीर होकर सयानी स्त्रियों की तरह बोल रही है। उसकी शांत स्थिरता और रुखाई देखकर मेरा उत्साह बहुत ढीला पड़ता जाता है। अब वह चंचला किशोरी नहीं रह गई थी। ऐसा मालूम होता है कि मातृत्व की आंच से तपकर उसका हृदय सुदृढ़ बन गया है। आज वह एक बिल्कुल नया, अपूर्व, परिचित सौंदर्य लेकर मेरे सामने उपस्थित थी। मैं तकिए पर हाथ रखकर लेट जाता हूँ और लेटे लेटे उससे बातें करने लगता हूँ। प्रारंभ में वह कुछ सकुचाई सी थी, धीरे धीरे खुलकर बोलने लगती है। चारपाई पर लेटने के आनंद से मुझसे बढ़कर कोई परिचित नहीं होगा, पर मुझे भी लेटने में ऐसा सुखालस कभी प्राप्त नहीं हुआ जैसा इस समय ही हो रहा है। इस समय हो रहा है, मैं सोचता हूं कि निखिल प्रकृति का एकमात्र राजा मैं ही हूं और मेरी एकमात्र रानी नीचे बैठी है। मेरे घर के और अपने मायके के संबंध में वह अनेक अनेक प्रश्न करती है, अनेक अनेक प्रश्न करती है। अनेक वर्षों के बाद अपने प्रथम जीवन की मधुर स्मृतियां एक नए रूप में एक एक करके मेरे हृदय में उदित होकर जुगनुओं की तरह जगमग जगमग कर रही थी। उसके साथ मेरे कैसे उल्लास, कैसी आशा के दिन बीते थे। जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली आदि उत्सव कैसे उत्सुक आनंद सहित मैंने उसके साथ बिताए थे। अंतिम वर्षा के समय अल्मोड़े में नंदा देवी की पूजा के अवसर पर बड़ा मेला लगता है। स्थान स्थान से किसान लोग बांके रसीले बनकर वहां जमा होते हैं। उस समय खेती का काम ना होने से अपने उल्लासपूर्ण पर्वतीय हृदय से निर्द्वंद आनंद से नाचते गाते हैं। बचपन में प्रतिवर्ष हम दोनों उस मेले के आगमन के लिए बहुत पहले से ही उत्सुक रहा करते थे। मेले के अवसर पर हम दोनों साथ ही अत्यंत उल्लास के साथ उस लोकारण्य में सम्मिलित होते थे और विशेष रुचिपूर्वक उस निर्मुक्त आनंद लीला का रस लेते थे। वे सब स्मृतियां मुझे विकल करने लगती हैं। शायद उसका भी यही हाल है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मेरे पूर्व जन्म की प्रिया युगों के बिछो के बाद भावी जन्म में उससे आ मिली है, जैसे वर्तमान जन्म से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। प्राय 1 घंटे तक वह मेरे पास बैठी रही, फिर बोली, अब चलती हूँ, बच्चे नीचे बहुत देर से मेरे इंतजार में बैठे होंगे। बच्चे? तब मेरा अनुमान ठीक ही था। उसका मातृत्व तो उसकी आंखों की सरस वेदनामय छाया से स्पष्ट झलकता था। मैंने कहा, उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाई? मेरे मन में बड़ी उत्सुकता पैदा हो गई है। मैं क्या उन्हें खा डालता? तुम्हारी बुद्धि क्या अब तक वैसी ही पत्थर बनी है? मुझे अभिमान वश बेतरह गुस्सा आ रहा था। आज देर हो गई है, एक दिन फिर कभी बच्चों को लेकर आऊंगी भैया, कहकर वह धीरे धीरे वापस चली जाती है। जाओ जाओ हे नारी, इस स्वार्थपूर्ण संसार में मैं कभी यह आशा नहीं कर सकता कि तुम हम दोनों के बाल्यकाल के स्नेह के नाते मेरे जटिल चक्रमय हृदय की वेदना को समझने की चेष्टा करोगी। मेरा यह हृदय एक विशेष प्रकार की आग्नेयगिरि के समान प्रकट में शांत दिखता है, पर भीतर अंतराग्नि से अत्यंत क्षुब्ध और प्रपीड़ित है। अपने शांत हृदय, पति और बाल बच्चों को लेकर तुम स्निग्ध गृहस्थ जीवन की मनमोहिनी माया से मंत्रमुग्ध हो। अपने अंतःकरण के संस्कारवश मेरे हृदय की ज्वलंत आंच के पास फटकना भी ना चाहोगी, यह तो जानी हुई बात है। उसके बाल बच्चों के प्रति मेरे हृदय में जो एक लोभप्रद मोह का भाव क्षण में उत्पन्न हो गया था, वह पल में उसी तरह विलीन भी हो गया। मैंने फिर अपने गहन मन के भौतिक चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर लिया। आज आकाश एकदम नीले कांच के समान परिष्कार परिच्छन्न है।
सुनहली धूप से पृथ्वी मनोहर रूप धारण किए है। झील की दोनों तरफ दोनों सड़कों से होकर अलबेली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आ रही हैं और जा रही हैं। आज शायद कोई उत्सव का दिन है। इधर मेघ मुक्त दिवस में प्राकृतिक उत्सव चल रहा है, उधर संसार के नित्य कर्मों से मुक्त दिवस में सांसारिक नर नारियों का आनंद व्यक्त हो रहा है। मेरी आंखों के सामने एक अर्थहीन रंगीन स्वप्न की माया फैली हुई है। मृत्यु के इस पार से आज अनेक दिनों के बाद मुझे जीवन के लिए रोने की इच्छा हुई है, पर जानता हूँ कि रोना भी स्वप्नमय माया की तरह व्यर्थ है। आज अवकाश पाकर मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। पागल हूँ, प्रेतात्मा हूँ, छाया हूँ, स्वप्न हूँ, क्या हूँ? मेरी आंखों के सामने संसार के जो ये सब जीव उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, खाते पीते हैं, प्रतिदिन के सुख दुख की वेदना अनुभव करते हैं, उनसे क्यों आत्मा का अणुमात्र भी संयोग मुझे अनुभूत नहीं होता? सब झूठा है, सब झूठ है, ये सब जीव भी मिथ्या हैं, मैं भी मिथ्या हूँ। वृष्टि का दिन भी असत्य है और आज की सुनहली धूप भी काल्पनिक है। जीवन का रंगीन स्वप्न भी एक भ्रामक माया है और मृत्यु, तब क्या केवल एक मृत्यु ही सत्य है? नहीं, वह भी मेरे लिए सत्य नहीं है। बुनो बुनो हे असत्य, मेरी आत्मा के चारों ओर प्रतिपल जीवन मृत्यु के ताने बाने से मायामय जाल बुनते चलो। सोचते सोचते क्लांति का अनुभव कर रहा हूँ, आंखें झपकने लगी हैं। चिर प्रिय चारपाई में जाकर लेट जाता हूँ, हुक्के की याद आती है। कल्याण सिंह को पुकारता हूँ। थोड़ी देर बाद कल्याण सिंह हुक्का हाथ में लिए आता है। चारपाई में लेटे लेटे गुड़गुड़ाता हूँ। दो ही फूंक में अलौकिक अनुभूति का संचार होने लगता है। सोचता हूँ कि यह हुक्का ही परम सत्य है। चारपाई में इसी तरह झूमते झूमते चिरकाल तक लेटे रहना ही परम निर्वाण है। पर बीच बीच में तो एक खटमल जिस अवर्णनीय चैतन्य का संचार कर रहे हैं, उससे निर्वाण का स्वप्न भी भंग होने लगता है। और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो यह थी कहानी डायरी का नीरस पृष्ठ, लेखक इला चंद्र जोशी और वाचन स्वर अल्पना वर्मा का था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझ पाए होंगे। हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपका मेरे चैनल अल्पना वर्मा पर स्वागत है। धन्यवाद।